सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालात आज़रा पर तबसरों, तज़ियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। कोरोना वायरस चारों सूबों में नए केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है। इस वक्त तक टोटल जो नंबर गेम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन पूरी कौम इख्तलाफात भुलाकर कोरोना के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करे। आज सदर आरिफ अलवी ये कह रहे थे, साथ ही साथ आज एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का भी साथ हमें देना चाहिए। इस वक्त सियासत बाद में कर लेंगे, लेकिन ये इल्ज़ामात का वक्त नहीं है। वफाक और सूबों के दरमियान बहुत ज़रूरत है कि तावुन हो, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी जानब हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतेगा, पाकिस्तानी बतौर कौम मुत्तहद होकर वायरस को शिकस्त देंगे। दूसरी जानिब एक तो ये सारा सिनेरियो है ही, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि जी कराची में जो एक्सपो सेंटर है उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहिए, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है, क्योंकि वो शहर का एक तो सेंटर है, और सेंटर में अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा तो क्या उससे पॉजिटिव और नेगेटिव असरात मरतब होंगे, ये सवाल। दूसरा, आरडीजी आईएसपीआर ने भी जो है वो और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वफाक की मौजूद थी फिरदौसा शिकवान साहिबा, और उन्होंने भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस तरह की बात की कि डेफिनेट सी बात है, एक तो सराहा सूबों की परफॉर्मेंस को, और दूसरा उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, सभी ये तकरीबन कह रहे हैं, और ये बात होनी भी चाहिए कि मिन हैसुल कौम हम सबको इसके ख़िलाफ़ मुत्तहद होना है। ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारे शोबिस के हजरात हैं, शोबिस इंडस्ट्री है, वो क्या कहती है, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लूँगी आज मैं क्योंकि आप लोग के बात आ रही थी सामने, फरमाइश की जी एक्सपर्ट्स की राय लें, तो आज हमने मुख्तलिफ शोबाजात के एक्सपर्ट्स को यहाँ मधु किया है और उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से इस जो बहुत ही ख़तरनाक ये जो वायरस है और जो बहुत ख़तरनाक ये बीमारी है इसको बचाने के लिए किस तरह अपने अपनी फील्ड में और अपने अपने शोबे में किस तरह से जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। और बाकी सियासत के ऊपर तो आज हम बात करते ही रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो कौमी असम्बली का ख़ास तौर पर इजलास है उसके ऊपर ऑपोजिशन और हुकूमत की ज़रा ठन गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन ये कि वज़ीर आला सिंध ने फौज से मदद मांग ली है, ये भी सारा सिनेरियो है, तो इस वाली सिचुएशन पे तो हम बात करेंगे लेकिन ये भी देखेंगे कि अपने अपने शोबों में लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बता दूँ कि इस वक्त टोटल पाकिस्तान में 380 से तकरीबन जो है वो केसेस सामने आ गए हैं, जिसमें सिंध में 217, पंजाब में जो है वो 75 बताए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 23, बलूचिस्तान में 45 और गिलगित बल्तिस्तान में 13, आज़ाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 केसेस हैं जो कि अब तक रिपोर्ट हो गए हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो जो कि हम आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये तादाद जैसी ही अपडेट होती है विद इन आर और सो तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त K21 ख़ास तौर पे सबसे इस बात को आगे मद्देनज़र रखा हुआ है कि लम्हा व लम्हा आपको ये ज़रूर अपडेट करें कि किस शहर में और ख़ास तौर पे कराची में की क्या सूरत है, क्योंकि सिंध इस वक्त वो सूबा है जो कि इन नंबर्स में अनफॉर्चुनेटली सबसे आगे पहुँच गया है, तो कराची और सिंध की आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आगा मसूद साहब, हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच आगा मसूद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ आज हमारे साथ, मैंने कहा कि जैसे शोबिस इंडस्ट्री से भी लोग होंगे, अयाज खान साहब हैं, सीनियर अदाकार हैं, उनको भी खुश आमदीद करती हूँ। आप देखते रहते हैं उनको मुख्तलिफ ड्रामों में भी, और जाहिर सी बात है हमारे पहले भी प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच अयाज खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही बैठे इम्तियाज मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना प्रोग्राम खुद होस्ट करते हैं, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नासिर बेग चुगताई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
नहीं मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी ठीक आई है तो आवाज। अच्छा अभी मैं कहती हूँ कि टेक्निकली जो भी ग्लिच है उसको ठीक करते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आगा मसूद साहब आपके जाने पाऊंगी। इस वक्त सारी अपडेट जाहिर सी बात है आपके भी सामने हमारे सामने है, सिंध में सबसे ज्यादा केसेस हो चुके हैं। आपको याद है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से एक महीना पहले कौंसल जनरल का इंटरव्यू किया था चाइना के, और उस वक्त उन्होंने ये बात बता दी थी और हम यहाँ से चीख चीख के ये बात बार बार कैटेगोरिकली कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट और ओवरऑल वफाकी हुकूमत है बाकी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं इस पे जोर दे रही कि पीएसएल एक तो रोकें, पब्लिक गैदरिंग्स को स्टॉप करें। लेकिन अब ठीक है कि लिया जा रहा है, एक्शन में नज़र आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, लेकिन थोड़ा देर हुआ है ये, इसमें तो हमें मानना पड़ेगा इस बात को। आप क्या कहते हैं? लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि जब चीन के अंदर मतलब इतनी बड़ी अमवात हो गई, हलाकतें हो गई ना, फिर लोग जो है ना आपस में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ना इसके सिलसिले में काम करेंगे। देखिए सिंध में मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि देखिए जब ये कोरोना वायरस फैला तो आपको कम से कम ये है कि दो तीन चीज़ों पर आपको ख्याल रखना चाहिए था। एक तो ये कि आपकी तिब्बी सहूलतें जो हैं बड़ी कमज़ोर हैं, यानी जो तिब्बी सहूलतें मिलनी चाहिए वैसे भी आवाम को ज़्यादा नहीं मिलती। दूसरी बात ये मुझे बड़ी हैरत है, चाहे वो जनाब आरिफ अलवी साहब हों, चाहे इमरान साहब हों, चाहे बिलावल साहब हों, किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये जो इस वायरस के पस मंज़र में जिस तरीके से ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, जिस तरीके से गरीब आवाम को लूटा जा रहा है, वो उस सिलसिले में किसी ने कुछ नहीं कहा और इस सिलसिले में कोई कमेटी नहीं बनी। भाई कोरोना वायरस तो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन उसको उस कोरोना वायरस को कौन रोकेगा कि जहाँ पर ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, यानी यहाँ तक कि जो मास्क है जिसकी लागत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होती वो आज 250-300 का बेचा जा रहा है। आप गोश्त की कीमतें देख लें, आप ज़रिए अजाज की कीमतें देख लें, कोई है कोई इस चीज़ को रोकने वाला? अच्छा योमिया जो मज़दूर है, मेहनत कश है, उसका तो कोई परेशान हाल नहीं। आपने लॉकडाउन कर दिया, मामून वाली होटल को आपने बंद कर दिया। आप मुझे बताइए कि इस तरीके से कि आप कोरोना वायरस को रोक लेंगे? हमने कल पूरा प्रोग्राम अपना इसी पे किया है, डेली वेजेस के ऊपर। सिंध गवर्नमेंट से यही कहा था कि जो 70 लाख इस वक्त लोग हैं सिंध के अंदर जो कि डेली वेजेस पर हैं, ये लॉकडाउन से वो बेहद मुतासिर हुए हैं। और इस पे बात की तो फिर आप देखिए रात से थोड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जी 20 लाख जो है वो इनिशियली उन्होंने कहा कि हम लोगों को राशन देना शुरू करेंगे। मुझे बताऊं, मैं आपको बताऊं, देखिए बात दरअसल ये है कि ये पुलिस के जरिए, देखिए पुलिस का इमेज वैसे भी माशरे में अच्छा नहीं है, और पुलिस के जरिए पुलिस आती है मुख्तलिफ गलियों में और जितने भी मतलब छोटे छोटे होटल हैं जहाँ पर गरीब लोग जो हैं खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, चाय से अपना नाश्ता करते हैं, उन तक को बंद करवा रहे हैं। एक खौफ की फिजा पैदा करी, एक तो कोरोना ने भी खौफ की फिजा पैदा कर दी है, सारी दुनिया में जो है ना इससे टोटल फियर, यानी वो बीमारी या वायरस जो है अपनी जगह है, लेकिन एक खौफ की बीमारी जो है ना वो इंसान को खाई जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई मुझे ऐसे लोग मिले, मैंने पूछा बताइए कि आपको क्या महसूस करते हैं, कहते हैं यार हमें तो खौफ खा रहा है क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं अपने घरों के अंदर, निकल नहीं रहे। तो मतलब ये तो अच्छा, फिर ये कि आपके मुल्क में माफ कीजिए अगर खुदा ना खास, मैं रिजा एक बताऊँ, अगर ये खौफ जो इंसान को जो है ना, देखिए दुनिया में कुरान के अंदर दो चीज़ें आई हैं, एक तो खौफ है, भूख है, इसके बारे में कुरान में बड़ा मतलब कौम तबाह हो गई। अगर ये खौफ बढ़ गया तो आप यकीन कीजिए जो 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 इंसान का जो जिस्म है ना वो भी काम करना ठीक है। अयाज साहब आपकी जाने बाऊंगी, हमारे शोबिस इंडस्ट्री किस तरह देख रही है चीज़ों को, आप लोग मुतमईन हैं हुकूमत के इकदाम से जो कि अब तक किए जा रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों की बहुत फैन फॉलोइंग होती है, लोग आप लोग को देखते हैं और आपको जो है फॉलो करते हैं, आप लोग के थ्रू जो मैसेज जाता है अवेयरनेस मैसेज वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, आप इस जमन में क्या आप लोग? देखिए पहले तो मैं आगा साहब की बात को सेकंड करूंगा, और वो उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दुकानें जो बंद की जा रही हैं उससे ये है कि सरकारी इदारों या पुलिस जो है उनकी दुकानें खुल गई हैं। मोस्टली मैंने देखा है छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं या क्लिनिक हैं, छोटे छोटे सेटअप हैं जहाँ 5 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते। अगर आप कर्फ्यू पर डाल रहे हैं कि 144 लगी है तो खुदा के वास्ते, और फिर उनका टोन बहुत बुरा है। पुलिस का जो अंदाज है वो मोबाइल रोक रहे हैं बंद करो, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये टोन कब बदलेगी। एक खौफ, फिर पुलिस का खौफ, फिर बीमारी का खौफ, फिर भूख का खौफ,
फिर ये जो खाना पीना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप मुझे ये बताएं, बड़े जो मॉल हैं वो बड़े लोगों के लिए हैं, छोटी दुकानें जो हैं वो गरीबों के लिए हैं, ना वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि वो लाइन में लग के कोई 50,000 रुपये का राशन ले ले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको जिस, और फिर देखिए ये ऐलानात, जिस तरह पुलिस देर से आई है, ये ऐलानात हो रहे हैं, अभी इन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी हॉस्पिटल भर नहीं गए, अभी अल्लाह ना करे उस तादाद को जो गिना जा रहा है कि 200, 300, 250, 500, भाई ये जब एक्सपो में भरेंगे तो उसके भरने को तो अभी छोड़ दें, अभी तो पहले ये देखें प्रिकॉशंस क्या हैं, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ क्या हैं, हर छोटे और बड़े को सबको मॉनिटर नहीं करें, उनको एक फैसिलिटीज़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर तो आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का सारा सबको बताएं, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इतनी अपॉर्चुनिटी दें, उनको भी ज़रा खुदा का खौफ दिलाएं, उनको एक लेटर्स भेजें, उनसे कहें कि देखिए अगर ऐसा आ रहा है आपको अल्लाह के पास, एक आपको एक अल्लाह ने एक देखे ना डिज़ास्टर जब आया कौम यकजा हुई है, तो ये कौम यकजा हो गई है, लेकिन गरीब के साथ जो मसला है वो उसको सबसे पहले देखें, क्योंकि सबसे कीमती वोट जो होता है वो गरीब का होता है। एक आदमी कहता है ना इनको वोट दे दो तो 2000 वोट उस शख्स को चले जाते हैं, लेकिन वो 2000 भूखे ही रहते हैं। तो ये जो अल्लाह ने एक इम्तहान में हमें डाला, और फिर उस खौफ पे ना जाएं, अल्लाह भी हमसे नाराज है, इसको हम सबसे आगे रखें, उसी के खौफ में, अल्लाह की नाराजगी के खौफ में ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, उसको करें, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, उस मुख्तसर ज़िंदगी में जो उन्हें करना चाहिए वो करें। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर ये कर रही हैं और कर रही हैं, तो आप भी उस सदक़े जारिया में शामिल हैं और हम भी उसमें सदके जा रही है शामिल। और आर्टिस्टों को तो आपको पता है वो अपना मैसेज देंगे, मैं जहां मुझे मौका मिला सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूं और यही कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते डरें, ये करें, अल्लाह को राजी करें, ठीक है उमरा का दरवाजा बंद हुआ है, तौबा का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ है ना, उसको खोल के ठीक है। मैं आपकी जानिब आऊंगी इम्तियाज, आप खुद भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और देख रहे हैं ये सूरत हाल और लम्हा ब लम्हा अपडेट होते हैं, इज इट फेयर इनफ या ये काफ़ी है हमारे लिए जो कि सूबा सिंध ने अभी तक इकदाम उठाए हैं, और आपको नहीं लगता कि हम लेट हो गए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इकदाम करते हुए? देखिए मैडम, सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, हमें दुनिया को देखना पड़ेगा, हमें इटली को देखना पड़ेगा, हमें अमेरिका को देखना पड़ेगा, चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं, हमें चीज़ों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमें इटली और अमेरिका को देखना पड़ेगा। इटली अमेरिका के अंदर 90,000 वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास बदकिस्मती से 2,000 वेंटिलेटर्स हैं। हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अभी तकरीबन हमारे पास 300 भी पेशेंट नहीं है, अगर ये 5,000 हो जाएंगे तो पेशेंट आप रखेंगे किस तरह? सही बात, ये तो बात हमें समझ ही नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप घर में रहें, आपके पास कैपेसिटी इटली जैसी नहीं, इटली तो एडवांस, उनके पास तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी अमेरिका से भी बेहतर है, वो भी नहीं करें। मैं आपको अगर अब यहीं आपको मैं आपको ग्राफ अमेरिका और इटली का मैं आपको दिखा रहा हूं, इटली के और अमेरिका के अंदर 1,000 पेशेंट 5-6 दिन पहले थे, 6,000 हो गए 5 दिन के अंदर, आप रेशो देखें, आप इटली के अंदर 6,000 पेशेंट थे, 26,000 हो गए। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर सिंध के अंदर पेशेंट हो गए तो आपके पास तो हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। स्पेन के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल्स थी गवर्नमेंट्स की सब नेशनलाइज हो गई, आपके पाकिस्तान के अंदर 25,000 टेस्टिंग किट्स हैं, आपके पास तो हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। तो आपके पास एक ही हल है कि आप लोगों को घर में रहने दें, आप जब तक ये नहीं करेंगे, अगर आपके पास ये लोग हो गए तो आप बच नहीं सकते, ठीक है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ठीक है। आप दुनिया को स्टडी करें, तकरीबन 176 ममालिक में है, आपके पास अभी तक फील्ड हॉस्पिटल्स ही नहीं है। आप आर्मी को इन्वॉल्व करें, आप इलेक्शन करवाते हैं आर्मी को लेकर आता है, आप सेंसस करवाते हैं आर्मी को लेकर, आपके पास बारिश होती है, आपके पास फ्लड आता है, अब भी आप आर्मी को इन्वॉल्व, आपका वजीर आजम निकलते ना, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, डीआई खान में आते हैं चले जाते हैं वापस, आप कहां है आपकी गवर्नमेंट, कहां है आपके मिनिस्टर्स, कहां है आपकी गवर्नमेंट,
कहां है आपके मिनिस्टर्स, कोई नजर नहीं आती। ये आम चीज नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। ओके, नेशनल हम बड़े क्राइसिस में हैं, आप इसको इजी नहीं लें। ठीक है, मैं नासिर बेग चुगताई साहब के पास भी जाऊंगी। नासिर बेग चुगताई साहब, आपको मेरी आवाज अब आ रही है क्लियर? जी, बहुत हल्की हल्की आ रही है। अच्छा नासिर बेग चुगताई साहब, आप बताइएगा, आप देख रहे हैं सिचुएशन जो इस वक्त है, और डेफिनेट सी बात है कि हुकूमतों ने इकदाम किए हैं, काम करने शुरू किए हैं, लेकिन क्या हम लेट नहीं हो गए चीजें करने में खास तौर पे? और जब चाइना के खुद के जो लोग हैं, यानी कि एम्बेसडर और जो मुख्तलिफ शहरों में उनके कौंसिल जनरल जो मौजूद हैं, वो ये बता रहे थे पहले से, उन्होंने बताया अपने इंटरव्यूज में कि जी आप पब्लिक गैदरिंग को बंद करें, हम फिर भी पीएसएल चलाते रहे, हम फिर भी चीजें करते रहे, तो क्या हम यहाँ पे इस वजह से फेल नहीं हो गए? अगर पीएसएल की बात कर रहे हैं आप जी, कि पीएसएल बंद होनी चाहिए थी, तो हिंदुस्तान भी चाहता था कि पीएसएल बंद हो। तो मेरा ख्याल है कि आप और हिंदुस्तान दोनों एक ही मौकफ के ऊपर थे, नंबर वन। नंबर टू, आपको इसका तजिया, आपके पास आगा साहब बैठे हैं इतने बड़े तजिया निगाह, उनसे पूछ लें, इसका तजिया थोड़ा करना पड़ेगा आपको जी। कि क्या आपको जिंदगी चाहिए, आपको तफरी चाहिए, आपको सियासत चाहिए, आपको मईशत चाहिए? इनमें से एक का आपको इंतखाब करना पड़ेगा इस पुराचार के अंदर। चाइना ने इंतखाब किया इंसानी जिंदगी का, हमें इंसानी जिंदगी चाहिए। उन्होंने शट डाउन कर दिया सब कुछ, सब बंद कर दिया बेरहमान अंदाज में, बिल्कुल पूरा इलाका बंद कर दिया, 6 करोड़ की आबादी बंद कर दी उन्होंने, और फाते हो गए वो। उनके यहाँ अब जो रेशियो है बीमारों का वो भी कम हो गया, मरने वाले तो आज 0 हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इटली को तफरी चाहिए थी तो इटली ने तफरी का इंतखाब किया। अब इस वक्त इटली मर्दे बीमार है, और वहां का कितना लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों पर, पूछने वाला कोई नहीं। और ईरान ने इंतखाब किया गैर जिम्मेदारी का, चुनाचे वो आपके सामने ईरान में क्या हुआ, और ईरान में हमारे पास भी सब कुछ आ गया तफ्तान के जरिए। तफ्तान में हमने क्या किया, इंतहाई कहता हूँ बेहुदा कर जिम्मेदारी की। हमने एक कैंप में गिद्दे मिला के लगा दिए क्वारंटाइन वालों के जी। अगर आप आइसोलेशन में रख रहे थे तो अलग बात थी, क्वारंटाइन वालों को गद्दे मिला के लगा दिए, वो कोरोना बम बन गए, और अब आपके दूसरे घूम रहे हैं। 7,000 अफराद को स्लिप कराया गया तफ्तान से, कुछ लोगों ने स्लिप कराया, वो आप पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। फिर आप आज मुझसे कह रहे हैं कि चीन से हमको सीखना है। चीन से आप नहीं सीख रहे आगा साहब, जालिब साहब याद है आपको? गरीब जालिब साहब हुआ करते थे, वो कहते थे चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, पर वहां जो निजाम है उस तरफ मत जाइयो, उस निजाम को दूर से सलाम। तो जालिब साहब तो बहुत पहले कह गए थे, अच्छा ये पिशन को ही कर जाते हैं, हमारे शायर बड़ी बड़ी पिशन को ही कर जाते हैं। तो ये कह गए थे हमने चीन से बड़ी दोस्ती की, इसी पैक किया, ये किया वो किया, लेकिन चीन ने जो हेल्थ पॉलिसी अख्तियार की इस मसले के ऊपर, वो हमने अडॉप्ट नहीं की। हमने जब मेरी बात सुनिए, जब सिंह ने पूरा काम किया, सिंह ने बेहतरीन काम किया, उसके हमने खिलौने निकाले। जब सिंह ने जनवरी में काम शुरू कर दिया तो उस वक्त तक वफाक सो रहा था जी। वफाक को ये तौफीक नहीं हुई थी कि वो कुछ करता। फिर बात अभी बिल्कुल मेरे साथ सही कह रहे थे वेंटिलेटर्स की, कितने वेंटिलेटर हैं हमारे पास, 1600-1700। बात हो रही थी एक जगह पर कि हम 1000 इम्पोर्ट कर लेते हैं, भाई कचरा आएगा कौन, आप पर ट्रेन लोग कहाँ है, यहाँ साहब को आगे यहाँ साहब आगे चेक कर लेंगे, यहाँ साहब वेंटिलेटर नहीं चला सकते, आप पास पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ पर है, आपका सिस्टम कहाँ पर है। इमरान खान ने कहा था कि मैं इंसानी वसाइल में इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ किया, कितना किया, कुछ तो सामने लाए ना यार। फिर आप कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, आपको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तादाद है तो टेस्ट, अब तो आपने टेस्ट किए नहीं है, पंजाब में तो टेस्ट नहीं किया आपने, 350 टेस्ट किए पंजाब में आपने, जबकि 1800 आदमी वहाँ मौजूद है। जब ये टेस्ट की रिपोर्ट सामने आएगी तो आपको अंदाजा होगा, अभी आप टेस्ट करना भी नहीं चाह रहे मेरा। सही,
ठीक है, मैं आगा मसूद साहब आपकी जानब आऊँगी। ये तो इश्यूज़ हैं, डेफिनेट सी बात है, लेकिन अगेन फिर हम देख रहे हैं कि मईशत का भी क्या हाल इस वक्त चल रहा है। साइमल्टेनियसली हमने देखा कि आज भी स्टॉक में क्या सिचुएशन रही और एक हफ्ते से जो चल रही है, और फिर वज़ीर आज़म ने जब अपने खिताब में कहा था परसों कि अगर हम इस तरह से बंद कर देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, तो फिर हल क्या है? वट वुड बी द सोल्यूशन? आखिरकार इसको हैंडल किस तरह किया जाएगा? ओवरऑल वफाक की सतह पे भी इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए? ये आपका बहुत उमदा सवाल है, आपने जो इकोनॉमी पे सवाल किया ना, देखिए बात असल ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी आज आपको मालूम है कि कार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि अगर आप मार्कअप को कम नहीं करेंगे तो फिर ना तो ये है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, जो भी हालात हो, और ना ही मतलब ये कि लोकल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और बिल्कुल सही कहा, पूरी दुनिया में मार्कअप जीरो हो गया है। मतलब अमेरिका जैसे मतलब बड़े मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो मैन कंट्री के वहाँ पे जीरो हो गया, सारी दुनिया के अंदर मार्कअप जीरो हो गया। यहाँ मार्कअप क्या है? आपने एक छोटा सा मतलब कम किया 13% मार्कअप। आप मुझे बताइए इस मार्कअप से क्या लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या इस मार्कअप से आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी? मैं समझता हूँ कि जो हमारे बाकर रजा साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे सरमाया, देखिए जब सरमायाकारी नहीं करेगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। देखिए जो कलीदी किरदार होता है किसी मुल्क में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, इसमें सरमायाकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो चीख रहे हैं गुज़श्ता 6 माह से कि भाई इसे कम करें, इसे कम करें, लेकिन मार्कअप कम नहीं हुआ। आप हैरत करेंगे कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है जिससे आपके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, जिनको आप नफरत की जगह देखते हैं, वो भी हमें नफरत की जगह देखते हैं, वहाँ भी मार्कअप मतलब ये कि 4% पर आ गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक कि आप मार्कअप को कम नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नासिर बेग ने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन नहीं तो 5 लाख लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे आ गए, यानी सी द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वाज गॉन डाउन टू लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम इंसानी वसाइल को बेहतर करेंगे, इंसानी कैपिटल को बेहतर, ये ना ये जुमले इस्तेमाल होते हैं ना कि ह्यूमन कैपिटल, वेयर इज द ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल तो बहुत यहाँ तक आ गया है कि जनाब 5 लाख अफराद पूरे मुल्क में मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए हम इस हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ देखिए ये जो वक्त है ये तनकीद का वक्त नहीं है। हम उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे दोस्तों ने बात की है कि देखिए इस पर कम से कम ये है कि आप एक एक्शन प्लान बनाएं। आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, जब तक कि आपके पास एक्शन प्लान नहीं होगा आप यकीन करें लोग खौफ में मुब्तला रहेंगे, होर्डिंग होती रहेगी, महंगाई होती रहेगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, एक्शन प्लान की इस तक अशद जरूरत है, ये आगा मसूद साहब कह रहे हैं। मैं आपकी जानिब जाऊंगी और उनसे ये भी पूछूंगी कि शोबिज इंडस्ट्री किस तरह इस जमन में अपना काम और कलीदी किरदार अदा कर सकती है और वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं जवाब लूंगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिकमत अमली कैसे तैयार की जाए, इस जमन में अब हम सब अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अयाज खान साहब की जानिब आऊंगी। अयाज खान साहब मुझे बताइएगा कि जाहिर से मैंने जैसे शुरू में ही कह दिया था कि आप लोगों का भी बड़ा एक कलीदी किरदार है इस जमन में, अब आप लोग क्या कर सकते हैं और आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि देखें हर बात तो हम हुकूमत पर नहीं डाल सकते और जाहिर सी बात है ये भी एक नेशनल डिजास्टर के तौर पर इसको काउंट किया जा रहा है। तो इस जमन में हमारी शोबिज इंडस्ट्री क्या कर रही है और क्या कर सकती है, इस हवाले से भी बताएं। देखिए बिल्कुल, ये आपने एक हमें नेक काम का मौका मिल रहा है और होता ही है कि सियासतदानों की तो सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन शोबिस के लोग जो लोग इंटरटेनमेंट देते हैं अगर वो कोई बात कह रहे होते हैं और एक मैसेज के तौर पे तो उसको लोग जरा से सुनते हैं, वरना उस लम्हे तक जरूर रुक जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं जी। तो बिल्कुल ये फैक्ट है, मैंने भी काफ़ी कहा है, अभी हमारी शूट है, कल बुलबुले की शूट है, तो हम सोच रहे हैं हमारे जो उस टीम के लोग हैं वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से लोगों को थोड़ा देखें, हौसले की भी ज़रूरत है, उस खौफ से दूर करने की भी ज़रूरत है। और जब ये बात इसी तरह कन्वे हो के एक से एक, आपको पता है अब जो हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम जो भी ऐसी अच्छी बात करते हैं तो वो किसी न किसी को लगेगी, वो हुकूमत को भी लग सकती है, उन पैसे वाले लोगों के पास भी लग सकती है, वो लोगों की मदद भी कर सकते हैं। दूसरा ज़ाहिर रमज़ान आ रहे हैं, उनको जो रमज़ान तक इंतज़ार ना करें, डिज़ास्टर इस वक्त आया हुआ है। तो ये अगर सारे लोग अपना किरदार, इस वक्त बात यह है कि सब अपना किरदार कर सकते हैं, जिसके बाद देखिए थोड़ा होता है, मैंने रिक्शे वालों को देखा है कि वो फ़कीर को दे देते हैं और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी कहता है चलो चलो हटो। तो ये जो दिल, इस वक्त दिल को बड़ा करना है
और हम सबका किरदार है इसमें, हमारे अगर हम सियासतदानों की बात नहीं, गवर्नमेंट लेवल के लोगों का अपना काम है, डॉक्टर्स का अपना काम है, जो इन्होंने बात की थी वो सही बात है कि इतना बड़ा एक्सपो तो खुलेगा, उसके नर्सें कहाँ से आएंगी, उसके वो लोग कहाँ से आएंगे, अगर वो एक तरफ हॉस्पिटल से सारे वहाँ चले जाएंगे तो इसमें वो लोग भी जो फर्स्ट एड की जिनको ट्रेनिंग हमें भी मिली हुई थी, हम अपने कॉलेज में थे, तो हम अपना कोई ना कोई पार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शोबिस के लोग जितने हमें सुन भी रहे हैं देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह सब हम अपने अपने मैसेज देंगे, लोगों को तसल्ली देंगे, और ये बात नहीं है कि हमारी बात जो है, जहाँ दीनी उलमा भी आपको पता है बहुत सी बातें दीन से के हवाले से कुरान के हवाले से बता रहे हैं, जैसे अभी कह रहे थे सूरह नूह वाली कि उसको पढ़ा जाए उसका बड़ा, तो हम देखें अल्लाह से रुजू करना भी हमारा बड़ा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है ये हमारे जो मुश्किल आई हुई है इस मुश्किल से इंशाल्लाह बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों का ज़्यादा हौसला है कि हम इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे। आमीन। इम्तियाज़ आपकी जानिब आऊँगी। इम्तियाज़, इस पर अपोजिशन और हुकूमत का ये सख्त रद्दअमल आ रहा है इजलास बुलाने के हवाले से भी, हुकूमत इजलास क्यों नहीं बुला रही और इस ज़माने में क्या बुलाना चाहिए, आप क्या समझ रहे हैं? देखें, चाइना हमारे में सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि चाइना के पास पैसा भी है, एक्सपर्टीज भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, ये हमारे पास तीनों चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने तकरीबन रेस्क्यू पैकेज होता है एक, उन्होंने $1 trillion जो है ना अपने लोगों को देने का पैकेज दिया है। यूके ने तकरीबन जो है ना $1 billion अपने, वहां मॉर्गेज सस्पेंड हुआ है, वहां बिजली का बिल सस्पेंड हुआ है, वहां गैस सस्पेंड हुआ है, वहां चीजें सस्पेंड हुई हैं, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं हुई जो होनी चाहिए। जिस तरह आगा साहब ने कहा कि वहां चीजें ये हो रही हैं, हमारे पास ये चीजें नहीं हो रही। हमारी गवर्नमेंट में जो वफाकी गवर्नमेंट है अभी भी सीरियसनेस हमें नजर नहीं नजर आ रही है जो हमें चीजें आनी चाहिए। एक चीज जो खतरनाक मुझे चीज लग रही है, ये जो ताफ्तान के लोग आए हुए हैं, मुझे इससे डर नहीं है, मुझे एक और चीज से डर है, जो लोकली ट्रांसमिटेड लोग हैं कराची के अंदर 39, मैं भी यही एक्चुअली दिस इज अलार्मिंग, जो लोकली ट्रांसमिटेड लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, दे हैव नो ट्रैवल हिस्ट्री, जो तबाही मचाएंगे, बी केयरफुल, 39 लोग हैं कराची के अंदर, उनसे हमें डरना चाहिए, इन पे नजर रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए ये लोग, उनका तो पता है क्योंकि वो सखर में लेबर कॉलोनी सब कुछ चीजें, ये हमारे अंदर लोग जो घूम रहे हैं सब कुछ हो रहा है इनके लिए, जब तक गवर्नमेंट जो है इस चीजों पे नहीं जा रही, जब तक रेस्क्यू पैकेज नहीं आएगा, एक तो होना चाहिए, इसके ऊपर हमें जाना चाहिए, गवर्नमेंट इसकी तरफ जानी चाहिए, सीरियसनेस नजर होनी चाहिए, एक्सपर्टीज वो हमारे पास नहीं है उनके ऊपर, अभी भी इमरान खान साहब को, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, डॉक्टर जफर मिर्जा को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है, अभी भी मिसमैनेज है ताफ्तान, अभी भी वो चीजें नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया, 600 किलोमीटर दूर है आप कोयटा से ताफ्तान, रेगिस्तान एरिया है वो, आपने वो तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था, आपने जो सेहतमंद लोग थे आपने वहां उनको बिठा दिया सबको जा, वो तो मिसमैनेज होना था आपको, आपने जिनको नहीं था उनको नहीं, उनको भी हो गया, आपने जो है लोगों को वहां बिठा दिया, आपने लोगों को जाना, अभी भी वो सीरियसनेस गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रही, ये आम सा मसला नहीं है, इस तरह ये चीजें नहीं जाएंगी। दूसरी तीसरी चीज, हम दो फ्रंट पे जंगे लड़ रहे हैं, एक तो है वायरस और दूसरी तरफ इकोनॉमी, और दूसरी आपकी ग्रोथ जो है वो 2.5 पे जा रही है, और ये कल मूडीज ने बताया 2.9 थे लेकिन 2.5 मजीद इट हैज और गिरेगी आपकी, दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और दूसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट आप जो है ना, इन्होंने कहा जब तक आपकी बिजनेस एक्टिविटीज इस टाइम कौन इन्वेस्टमेंट करने जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने, पूरी दुनिया के अंदर आपके बिजनेसेस आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, नासिर बेग चुगताई साहब की जानकारी, नासिर बेग चुगताई साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, नासिर साहब मुझे बताइएगा अभी, सर मुझे बताएं आप क्या समझते हैं, अब इस वक्त राइट अवे अगर हम बात करें तो क्या चीजें हैं जो कि इस वक्त भी मिसिंग हैं और जो कि फौरन करने की जरूरत है? मेरा ख्याल तो ये है कि वफाक की सतह पर हर चीज मिसिंग है। ओके, अगर प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आप सुन लें जी, तो मुझे बता दें उसमें आपके लिए क्या था, कौम के लिए क्या था, जफर मिर्जा की आज आप ब्रीफिंग सुन लें, बता दें मुझे उसमें आपके लिए क्या था, अब मतलब सिंध वाले जो कुछ कर रहे हैं उसके सिवा कौन क्या कर रहा है, सिवाय सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के। असल बात यह है कि आपको मैं अभी सुनना था गालिबन के वजीफा पढ़ा जाए, बहुत से उलमा, बहुत से शयूख
बता रहे हैं कौन कौन से वजीफे पड़े जाए, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े आलिम दीन ने एक बात और भी कही है कि वजीफा पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, पर एहतियात करें और एहतियात से भी मसला हल ना हो तो इलाज करें। ये सब सुन्नतें हैं, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतें हैं। इलाज से इनका देखो जुल्म है, वेरी गुड, एहतियात से इनका आज भी जुल्म है। और अगर वफाकी हुकूमत ये तीनों काम नहीं कर पाती तो फिर वो लायक तरीन हुकूमत है, और वफाक ने अभी तक ये काम नहीं किया है, ना एहतियात की है ना इलाज किया है। डीजी खान में जो कुछ हुआ है कल जी वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्वेटा में जिस तरह आग लगाई गई है उस कैंप को जहां पर आना था इन लोग जा रहे लोगों को तफ्तान वालों के जी, वो भी इतना बड़ी बात, मतलब एक रिएक्शन आ रहा है तगड़ा रिएक्शन कि हमारे पास क्यों बात कर रहा हूँ। भावलपुर वाले को चले गए कि हमारे हॉस्टल के अंदर आप बात करोगे मरीजों को, सोचिए यार आप कि आबादी के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल के अंदर आप कोरोना के मरीजों को लाके वहां का इलाज करोगे, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा तुम्हें खतरनाक बात है, उन्होंने प्रिंसिपल चीफ को रेफर कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, अब लाहौर हाई कोर्ट कल परसों उसको चेक करेगी, और उन्होंने कह दिया कि खबरदार कोई मरीज नहीं आएगा। ये मसला चल रहा है, खतरनाक हो सकता है ये मसला आगे जाकर। सर सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, यही इसी कड़ी की यही बात जैसे सिंध में भी सेंटर ऑफ द सिटी की बात हो रही है एक्सपो सेंटर को क्वारंटाइन बनाने की, तो डू यू रियली थिंक कि क्या वो भी सेफ जगह है या बाहर कहीं रखना चाहिए सिंध में भी? देखिए बाहर गडाप में बन रहा है, बाहर सक्कर में बना है जी, बाहर मीरपुर माथेलो में बना है, बाहर मीरपुर खास में बना है, बाहर देर कंजारो में बना है, बाहर नौकसा में बना है, ठीक है बन गए। अब आपको एक मैदान चाहिए बहुत बड़ा जी, 10,000 बेड के लिए, अगर 10,000 बेड का कोई दूसरा मैदान आप मुझे बता सके तो बता दीजिएगा, और फौज का इसमें पूरा ताबून हासिल है, काम शुरू हो चुका है, अगर काम बंद कराना चाहती हैं आप तो बंद करा दें, लेकिन तय कर लें पहले करना क्या है, 10,000 बेड का अस्पताल चाहिए या यही अंकल सरिया या लेडी डॉक्टर या सिविल अस्पताल गुजारा करेंगे आप? आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये वक्त मल्टीप्लाई करेगा मरीजों को। नासिर बेग साहब अयाज बोल रहा हूँ मैं, एक बात अभी हमारे भाई ने कही थी, ये जो खुदकश हमला करने वाले लोग होते हैं उनकी भी निशानदेही कोई नहीं होती है, ये जो 39 लोग हैं ना, ये वाकई ये वो खुदकश लोग हैं जिनकी वजह से हजारों लोग जो हैं वो उसमें मुतासिर हो सकते हैं, और इन खुदकश को ढूंढना वैसे ही मुश्किल है जैसे खुदकश हमलावर जब तक फटता नहीं है, जब तक लोगों को पता नहीं चलता। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि खुदा के वास्ते जो लोग 39 लोग भी हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर वो मुसलमान हैं उनके दिल में है कि वो इस बात का किसी तरह से वो अपना ट्रीटमेंट ही करा लें, आपको डिस्क्लोज कर दें। इनकी तादाद 7,000 है, इनकी तादाद 7,000 है जो स्लिप हुए हैं तफ्तान से, बगैर चेकअप कराए गए, जिनको स्लिप कराया गया जी 7,200, ये वो चलते फिरते बम है जो दो मरे ना अभी जी खबर पख्तूनख्वा में जी, वो तो स्लिप हुए थे ना जी, वो भी स्लिप हुए थे, एक को चेकअप करके घर भेज दिया था कि जा भाई घर जा आराम कर, मर गया वो। तो ये इस मुल्क की सूरत हाल है जहां पर आपके पास नाकारा लोगों की यलगार है, सिफारशियों की यलगार है। अभी जो लोग फ्लिप कराए गए तफ्तान से ये किसने कराया आगा साहब बताएंगे आपको? जुल्फी बुखारी ने करवाया सर। हेलो जी 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 नासिर साहब आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है ठीक है। मैं बस वन लाइनर आगा मसूद साहब आपसे भी जानना चाहूँगी कि वक्त भी ख़त्म हो रहा है हमारा, मुझे बताइए गए कि जिस तरह से अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने भी बात कही कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वफाक की सतह पर जो है चीज़ों को मैनेज करना और टेकअप करना, आप क्या समझते हैं? भाई देखिए तो मैं नासिर बेग साहब के तजिए से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, देखिए ये एक ग्लोबल इशू बन गया है, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं अब रहा, ये ग्लोबल इशू है, और जो मेल्टडाउन हो रहा है जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है वो पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान तो उससे मिट जाएगा, मिट से मुराद ये बहुत ज्यादा मुतासर होगा। ओके लेकिन मैं आपकी सरसों में अर्ज कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में अगर
अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनता तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सूरत हाल जो है मजीद खराब होगी। सही नासिर बेग कह रहे हैं कि आप उस वक्त से डरें कि जबकि यहाँ पर लोग खाने को तरसेंगे, गरीब आवाम की बात करो जो कि 98% पाकिस्तान में। ठीक है अयाज साहब, वन लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें ताकि लोगों को पता चल सके। मैं बस यही कहूँगा कि ये इस वक्त बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, बींग ए मुसलमान भी और बींग ए नेशन भी, कि हम इसमें अपना जो भी पार्ट प्ले कर सकते हैं, हमें हर शख्स को, हर शख्स की जिम्मेदारी है जो भी कर सकता है वो अपनी कोशिश ज़रूर करें ताकि इस मुश्किल से इंशाल्लाह ताला हम लोग निकल जाएं। देखिए जब तक हमारा इदारा एज अ फौज जो है, हमारी लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी, जब तक चाइना को ऑन बोर्ड, जिस तरह $4 मिलियन उन्होंने जो है ना हमें मदद भी की है, जब तक उनकी एक्सपर्टीज नहीं होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट भी की है, हाँ उन्होंने कमिटमेंट भी की है कि हम आप लोगों को ये चीज़ देने जा रहे हैं, उनसे एक्सपर्टीज भी ली जाए, ह्यूमन रिसोर्स भी उनसे लिया जाए, ये सिर्फ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट से नहीं कर सकती, उनकी लेवल पे ये चीज़ें नहीं होगी और ये वायरस इस तरह ख़त्म नहीं होगा जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है नेशनल स्ट्रैटेजी से जा सकती है, नेशनल स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत है। नासिर बेग चुगताई साहब, वन लास्ट वर्ड आपसे मैं चाहूँगी कि आप क्या कहेंगे? डेली बेसिस पे जो लोग काम करते थे, जो गैर सरकारी हैं जी, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं जी, उनका ख्याल करें, उनका बहुत ज्यादा ख्याल करें। ओके। और कोई ऐसा निजाम बनाएं जी सिलानी के साथ, आलमगीर के साथ मिलकर, कि उन्हें खुराक मिल सके, उन्हें राशन मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब आपका, आगा मसूद साहब आपका, इम्तियाज़ मीर साहब आपका, आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हफ्ते के रोज़ का न्यूज़ लाइन का आखिरी प्रोग्राम होता है और इसमें एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी, सब ने अपने अपने मुताबिक, अपने एनालिसिस के मुताबिक अपनी अपनी राय दी। आखिर में सिर्फ दुआ यही है कि जब अगला हफ्ता शुरू हो और हम जब नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते के आएँ तो परवरदिगार इस सारी सिचुएशन में कुछ कमी लेकर आए, जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, और बेहतरी लेकर आए पाकिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए, और इतनी तौफीक अता फरमाए तमाम हुकूमतों को कि वो बहुत बेहतर अंदाज से इस नेशनल डिज़ास्टर से, जो एक तरीके का अब डिक्लेयर हो गया है, उसके लिए लड़ें और काम करें मिलके, ना कि सियासत करें इस खासतौर पे मामले पे। ख्याल रखें अपना, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है उसको भी ख्याल रखें। वैसे ही मैं बार बार कह रही हूँ, मज़हब में तो हमारे ऑलरेडी ये मौजूद है, 5 वक्त वजू करना, नमाज पढ़ना और सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप पे भी भरोसा रखना है और अपने मज़हब पे भी भरोसा रखते हुए जो है आगे मज़ीद भी इस सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना है। अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।